Hello students, let's read today's lesson, The Black Aeroplane. It is in the class 10th book, First Flight, and the writer is Frederick Forsyth is a British novelist known for his best-selling thriller novels. थ्रिलर मीन्स सस्पेंस से भरे हुए हैं इनके जो नॉवेल्स हैं, तो उनमें से इस चैप्टर को लिया गया है. फ्रेडरिक फॉर्सेथ. की पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग द लेसन. इट डिस्क्राइब इनक्रेडिबल इवेंट, अविश्वसनीय. इनक्रेडिबल मीन्स हम विश्वास जिस पर नहीं कर सकते. ऐसे एक घटना घटती है नरेटर के साथ, राइटर के साथ. द स्टोरी इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस. स्टोरी पूरी मिस्ट्री से, रहस्य से और सस्पेंस से भरी हुई है. पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग. एक ओल्ड डकोटा का जो पायलट है वो अपने प्लान को उड़ा रहा होता है फ्रांस के ऊपर, पेरिस के ऊपर. ही डेस्परेटली वॉन्टेड टू रीच इंग्लैंड. वो इंग्लैंड जाना चाहता था जहाँ उसका घर था, वहाँ हर हाल में जल्दी पहुँचना चाहता था. अचानक उसे बहुत सारे ब्लैक क्लाउड सामने आ जाते हैं और एक रिस्क होती है उसके सामने, लेकिन वो उस रिस्क को लेता है, सीधा ब्लैक क्लाउड्स में अपने प्लान को उड़ाने लगता है और वो लॉस्ट वॉज लॉस्ट उन क्लाउड्स में उसका एरोप्लेन खो जाता है. ही वॉज रेस्क्यूड बाई मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन. एक ब्लैक एरोप्लेन जो मिस्टीरियस था वो उसको बचाता है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. जब वो अपनी फ्लाइट, उसका प्लान था, प्लान जब उड़ रहा था फ्रांस के ऊपर, उस समय आसमान बिल्कुल साफ था. बिहाइंड मी स्टार्स वर शाइनिंग. तारे खिले हुए थे आसमान में, क्लियर एकदम, बहुत कंफर्टेबल वेदर था आसमान में, एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मतलब रात्रि का समय था, लोग सो जाते हैं, तो वो सोते हुए लोग थे सारे, जहाँ पर भी टाउन हो, विलेज हो, और वो आसमान में उसका प्लान उड़ रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा. कौन सा प्लान था? ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था जिसका नाम था प्लान का, और फ्रांस के ऊपर अभी हाल में उड़ रहा था. बैक टू इंग्लैंड, वो अपने घर पर जा रहा था, इंग्लैंड जहाँ घर था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. हॉलीडेज, छुट्टी पर जा रहा था, तो छुट्टियाँ कैसे बिताएगा, ये सब उसके बारे में सोच रहा था, परिवार के बारे में सोच रहा था, कैसे समय व्यतीत करेगा. आई लुक्ड एट माई वॉच, घड़ी में देखा क्या समय था. 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब 1:30 बजा हुआ था रात्रि का, 12 बजे के बाद रात्रि में AM होता है, मॉर्निंग के समय में काउंट किया जाता है. तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है और बीच में ये आ गया ओशन, और ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड जा रहा है वो अब फ्रांस से. नरेटर कॉल्स फेरिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल. जब उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर अपने प्लान ओल्ड डकोटा को, तो वो सोचता है कि वेदर ही इज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन और नॉट ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, ही शुड कॉन्टेक्ट टू पेरिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मैं बात करता हूँ मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन. नोज मतलब बिल्कुल सामने, एयरप्लेन की जो नोज थी सामने देखा. आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी. शहर की लाइट्स थी, दिखाई दी, तो पता चला कि ये वही शहर है, पेरिस होगा, कैपिटल है फ्रांस का. मुझे बात करनी चाहिए. रेडियो को ऑन किया उसने. पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी. उसने कहा क्या मुझे सुन सकते हो. मैं पायलट बोल रहा हूँ ओल्ड डकोटा का. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ये भी बता दिया मुझे इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ. ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी. अच्छा, तुरंत जवाब आता है. DS 088 आई कैन हियर यू, यू माइट टू टर्न 12 degrees. और आदेश आया, यस यस हमें सुनाई दे रही है आपकी आवाज़, आप इंग्लैंड जा रहे हैं, आप 12 degrees west मतलब पश्चिम की तरफ आप टर्न करिए और
इंग्लैंड की तरफ आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। DS008088 ओवर, बात ख़त्म कर देता है पेरिस कंट्रोल से, कंट्रोल रूम से, जो व्यक्ति जवाब दे रहा था। नरेटर इज फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बहुत खुश था कि वो घर जा रहा था। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, उसने मैप और कंपास को चेक किया। और फिर जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था, फ्यूल का मतलब वो पेट्रोल टैंक, ईंधन का टैंक था जिसमें भरा हुआ था पेट्रोल, उसको ऑन कर दिया सेकंड टैंक को। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री, जैसा आदेश मिला था पेरिस कंट्रोल से 12 डिग्री उसने पश्चिम दिशा की तरफ टर्न कर दिया अपने प्लेन को जो इंग्लैंड की तरफ जाएगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेक, सोच रहा था मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुँच जाऊँगा घर पर। आई थॉट ए गुड इंग्लिश, गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो करेगा। चित्र में देख सकते हैं ब्रेकफास्ट को, एवरी थिंग वॉज गोइंग, सब कुछ ठीक था। इट वॉज कम्फर्टेबल, ईजी फ्लाइट। नरेटर मीट्स विथ डेंजर, खतरे से सामना होता है नरेटर का। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड, कब होता है जब 150 किलोमीटर पीछे रह गया पेरिस शहर, फ्रांस की कैपिटल। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और अचानक सामने बादल दिखाई देते हैं, बादल कौन से थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, चित्र में देख सकते हैं, और प्लान बिल्कुल उसके प्लान के सामने थे स्टॉर्म क्लाउड्स। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेंस, ब्लैक माउंटेंस की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था वो नीचे ज़मीन से लेकर पूरे आसमान तक खड़े हुए हैं, ब्लैक माउंटेंस। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानता था कि वो इन ब्लैक क्लाउड्स को अवॉइड करने के लिए इनके ऊपर से अपने प्लान को नहीं उड़ा सकता, और लेफ्ट और राइट होके भी नहीं उड़ा सकता। इसके लिए उसे सफिशेंट फ्यूल चाहिए था, जो फ्यूल उसके पास उतना सफिशेंट नहीं था, ईंधन सफिशेंट नहीं था। तो क्या अब उसके सामने ऑप्शन है, नरेटर क्या सोचता है। आई जब मुसीबत में होता है तो दो तरह की विचार आते हैं उसके माइंड में, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना चाहिए वापस, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुँचना चाहता था एज सून एज पॉसिबल। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, ही वॉज मिसिंग हिज फैमिली मेम्बर्स, आई विल टेक द रिस्क, और अंत में डिसीजन लेता है मैं अब रिस्क लूँगा, ये खतरे मोल लूँगा, देखता हूँ। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में सामने से ही प्लेन को उड़ाना शुरू कर दिया, ब्लैक क्लाउड्स में, जो ब्लैक माउंटेन लाइक क्लाउड्स थे उनमें ही उड़ाना शुरू कर दिया। अब ये रिस्क लिया कि थोड़े बहुत होंगे अभी निकल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, जब अंदर गया ब्लैक क्लाउड्स में, उसका जो प्लान था वो खो गया, फंस गया ब्लैक क्लाउड्स में, स्टॉर्म में। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा उसको, ब्लैक ब्लैक वॉज एवरीवेयर, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एयरप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो एरोप्लेन था ओल्ड डकोटा वो ट्विस्ट करने लगा, मूव करने लगा, इधर उधर घूमने लगा, ऊपर नीचे घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास की तरफ देखा, विश्वास नहीं हुआ उसको आँखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, राउंड और राउंड वो घूम रहा था, मीन्स उसको स्थिर रहना चाहिए, डायरेक्शन बताना चाहिए, नॉर्थ साउथ बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बता रहा था, घूम कर मूव कर रहा था, कंटिन्यूस घूम रहा था। इट वॉज डेड, क्यों घूम रहा था, वो काम करना बंद कर दिया था, इट स्टॉप वर्किंग, डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा क्या, वो शर्मे पड़ गया नरेटर। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे जो और इंस्ट्रूमेंट्स थे, रेडियो था और इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सडनली वो भी सारे डेड हो गए। रेडियो को उसने ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, देयर वॉज नो, कोई जवाब नहीं आया, उसने कई बार रिपीट किया, रेडियो डेड हो गया। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, अब वो पता भी नहीं चल रहा कौन सी जगह पर है उसका प्लान, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म।
नरेटर सीज मिस्टीरियस प्लान, उस मुसीबत में अब क्या सामने आता है उसको, जब सोच ही रहा था कि अब बड़ा मुश्किल है बचना, कहाँ जाएगा उसका प्लान, उतना फ्यूल भी नहीं है दो चार घंटे फ्लाई कर सके, तो जैसे क्लाउड्स में फंस कर स्टॉर्म में फंस कर गिर जाएगा, ऐसा सोच रहा था। तभी बहुत बेचैन था और उसी समय उसको उन ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल पास में सौ इनोदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन उसको सामने दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स, कोई लाइट्स नहीं थी इट ऑन इट्स विंग्स, जो पीछे लाइट्स जलती हैं, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे पास उड़ रहा था, इसको मैं देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और उस अंधेरे में पायलट का फेस भी थोड़ा दिख रहा था मुझे। और टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरे तरफ उसका फेस था पायलट का, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख कर बहुत खुश था मैं, ग्लैड मीन्स प्रसन्न। ही लिफ्टेड वन हैंड, एक हाथ को उसने उठाया और हिलाया हाथ को, फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, आई विल टेक यू सेफली आउट ऑफ दिस ब्लैक क्लाउड्स, ये कहना चाहता था। उसे शायद पता था कि मैं खो गया हूँ ब्लैक क्लाउड्स में, आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये बेचारा है शायद वो मदद करना चाहता है मेरी इन बाहर खतरे से बाहर निकालने में। स्ट्रेंज एरोप्लेन को पीछे पीछे वो फॉलो करता है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने आगे वाला जो प्लान था वो टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे सामने वो फ्लाई कर रहा था ताकि मैं भटक ना जाऊँ और डायरेक्शन में कहीं ना चला जाऊँ, दिखाई देता रहूँ। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, बहुत खुश था मैं कि उस प्लान के पीछे पीछे, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा था और उसके मैं हर आदेश का पालन कर रहा था एक बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ओबीडिएंट मतलब आज्ञा। After half an hour the strange black hair, आधा घंटा हो गया फ्लाई करते करते उन ब्लैक क्लाउड्स में, पायलट जो स्ट्रेंज एरोप्लेन का पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, वो अभी भी मेरे सामने ही प्लान को उड़ा रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes, अब उसको लगा कि केवल उसका जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसमें 5 और 10 मिनट का ही बचा हुआ है, उससे ज़्यादा उसका प्लान ओल्ड डकोटा नहीं उड़ सकता। फिर से उसे बेचैनी होने लगती है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, डरने लगता है, कौन डरने लगता है, पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा, ये फ्यूल टैंक में देख सकते हैं जीरो दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। द नरेटर इज फाइनली एबल टू लैंड, बट देन, जब ये बेचैन था तो फिर से उसको सांत्वना मिलती है, किस बात से, कि उसके सामने जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और मैं भी अपने प्लान को लैंड करने लगा, नीचे ले जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, लाइट्स की दो सामने जो लाइन थी, लाइट्स जल रही थी, उनको देखा, और ये क्या था, रनवे था, एंड एयरपोर्ट उसके उसी का ठिकाना नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये तो एयरपोर्ट है, इसका मतलब मैं सुरक्षित आ गया, आई वॉज सेफ, बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को देखा सामने, कहाँ पर है ब्लैक एरोप्लेन, इट वॉज नो वेयर, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल साफ था, बट ब्लैक एरोप्लेन वॉज सीन नो वेयर, देयर वॉज नथिंग देयर, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, कहाँ चला गया, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, नहीं दिखाई दे रहा आमने सामने। अब उसने लैंड किया अपने प्लान को, उतारा, लैंडेड, एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो जिसने मदद की है पायलट ऑफ स्ट्रेंज एरोप्लेन, पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा को, पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, सॉरी, वो पायलट ब्लैक एरोप्लेन का पायलट को वो धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी जीवन को बचाया, सुरक्षित उतार दिया एयरपोर्ट पर, उसको खोज कर उसे धन्यवाद देना चाहता था, इसीलिए वो जब दिखाई नहीं दिया तो कंट्रोल टावर पर जाता है, कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर उसको पता करना है कि कहाँ पर है। जब वहाँ पर पहुँचता है, एक वुमन थी वहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर,
और उसने वहाँ पर जाकर पूछा वेयर आई वॉश, ये कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सी जगह है। और जो अभी मेरे तुरंत आगे आगे एक पायलट एक एरोप्लेन लैंड किया होगा उसका पायलट कहाँ है मुझे बताइए, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। सी लुक्ड एट मी, जब वुमेन ने ये शब्द सुने तो वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, बिहेव करने लगती है और हंसने लगती है और कहती है अनदर एरोप्लेन, व्हाट डू यू मीन, अनदर एरोप्लेन वॉज देयर अप इन द स्काई इन दिस वेदर स्टॉर्म। और कहती है कोई एरोप्लेन आज रात, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, योर्स वॉज द ओनली वन, आपका ही अकेला एक एरोप्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था इस स्टॉर्मी वेदर में, जो रडार पर दिख रहा था। ये रडार का चित्र बना हुआ है, इसमें चित्र आते हैं, कोई जो हवा में कोई ऑब्जेक्ट होता है विशेष रूप से प्लेन एरोप्लेन, तो वो कहती है कि इस वेदर में कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल आपका ही प्लेन इस रडार पर दिख रहा था, हम देख पा रहे थे। बिग क्वेश्चन वॉज देन हु वॉज दैट पायलट एंड हु वॉज द विच वॉज द ब्लैक एरोप्लेन केम इन हिज रेस्क्यू हु हेल्प्ड मी। अब नरेटर सोचने लगता है कौन था तो जिसने मेरी मदद की, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो बंद हो गए काम करना, कंपास रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, जब फ्यूल भी नहीं बचा था, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था लास्ट टैंक में, तो कौन वो व्यक्ति था, दिस वॉज ए बिग क्वेश्चन, हु सेव्ड माई लाइफ, कौन हो सकता है, गॉड हो सकते हैं, गॉड के कोई देवदूत हो सकता है, एंजल हो सकते हैं, गॉड के द्वारा भेजा हुआ कि भाई देखो मेरा भक्त प्रॉब्लम में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालो, या इल्यूजन हो सकता है, उसका खुद दृष्ट भ्रम हो सकता है कि मेरी कोई मदद कर रहा है ब्लैक एरोप्लेन के रूप में, पायलट के रूप में मुझे पीछे पीछे चलने को बोल रहा है, ये इल्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।